नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूँ आपके साथ यशी शुक्ला। रो करेंगे खबरों का आगे, से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, बीजेपी कार्यकर्ता मना रहे सेवा सत्ता सप्ताह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लगा बधाइयों का तांता, राष्ट्रपति गृहमंत्री ने पीएम मोदी को दी शुभकामना। पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर सीएम शिवराज ने दी शुभकामनाएं, बोले गरीबों की सेवा कर उन्हें उभार। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 21 को, सीमित संख्या में शामिल होंगे विधायक, बाकी जुड़ेंगे ऑनलाइन। 25 फीसदी तक बढ़ सकता है यात्री बसों का किराया, कल बोर्ड की बैठक में हो सकता है फैसला। कोरोना का कहर जारी, सिर्फ 5 दिन में 1000 नए संक्रमित, तो प्रदेश में सबसे संक्रमित शहर इंदौर से 64% ज्यादा। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देश की तमाम पार्टियों के नेता सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा ने भी बधाई दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, राष्ट्र सेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला जिसे लोक कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा। दशकों से अपने अधिकारों से वंचित देश के गरीबों को घर, बिजली, बैंक खाता और शौचालय देना हो या उज्ज्वला योजना से गरीब माताओं के घर गैस पहुंचाकर उनका सम्मानपूर्ण जीवन देना, यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के अटूट संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया। एक मजबूत, सुरक्षित, आत्मनिर्भर भारत के लिए अपने जीवन का क्षण-क्षण सपा देने वाले ऐसे महान नेता जी के नेतृत्व में मां भारती की सेवा करने का अवसर मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं देश के करोड़ों लोगों के साथ मोदी जी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूँ। जेपी नड्डा ने कहा कि देश की प्रगति के पथ पर अग्रसर व विश्व पटल पर भारतवर्ष के मान सम्मान को बढ़ाने वाले जननायक आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। व्यक्ति निर्माण से लेकर राष्ट्र मार्ग के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सनंद रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर बढ़ते मां भारती को गौरव भूषित करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है और इससे बेहद खास मौके पर बीजेपी खास तरह से सेलिब्रेट कर रही है। बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है। 14 से 20 सितंबर तक चलने वाले सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में सेवा के अलग अलग काम कर रहे हैं, चाहे वो अस्पताल में फल वितरण हो, बच्चों को पुस्तक उपलब्ध कराना हो, रक्तदान या फिर कोई और अन्य सामाजिक कार्य। देशव्यापी सेवा सप्ताह अभियान के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी संगठनात्मक इकाइयों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग सेवा गतिविधियां आयोजित करने का निर्देश दिया। दिल्ली में बीजेपी के वृक्षारोपण का भी काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनका 70वां जन्मदिन देश में अलग अलग प्रकार से मनाया जा रहा है। 14 सितंबर से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाने के लिए हमने आह्वान किया था। मोदी जी का ये आग्रह था, केवल होर्डिंग लगाकर, केवल मिठाई बांटकर मेरा जन्मदिन नहीं मनेगा। लोगों की अलग अलग प्रकार की सेवा करते हुए वृक्षारोपण करना, सीनियर सिटीजन्स का सम्मान करना, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना, फलों का वितरण करना, हॉस्पिटल में जाकर मदद कार्य करना, इस प्रकार के अलग अलग जगह पर भंडारे लगाना, अलग अलग प्रकार के सेवा के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये जन्मदिन केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है। कल हमने 70 देशों के 70 लोगों के मैसेजेस और उनका एक वीडियो लॉन्च हमने कल किया, तो पूरा विश्व में ये मनाया जा रहा है। मोदी जी का जो रुतबा है, उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता है और देश के लिए जो विकास का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है, इसलिए आम जनता उन पर खुश है और उनके जन्मदिन में पूरी जनता अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स सब लोग शामिल हो रही है। तो हमारा संदेश इतना है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी है, और खाली भारतीय जनता पार्टी के नहीं, सारे देश के नेता है, और उनके 70वें
जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से यहाँ पर्यावरण का जो प्रोग्राम मतलब वृक्षारोपण का प्रोग्राम यहाँ रखा है और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई देने के लिए इधर आया हूँ। और मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे किए हैं साल सत्तर मैं उनको देता हूँ सुगंधी अत्तर। उन्होंने जिंदगी में तोड़ दिए बहुत सारे पत्थर इसलिए उन्होंने पूरे किए साल सत्तर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको हार्दिक शुभकामना देता हूँ और देश का विकास उनके नेतृत्व में हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के रूप में वो काम करते रहेंगे और भी वो मतलब 2024 में और भी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसा मैं उनको विश्वास देता हूँ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज वो 70 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रार्थया महे भव शतायुषी, ईश्वर सदा त्वां च रक्षतु। राष्ट्र सेवा जनहित को सर्वोपरि रखने वाले संकल्पित कर्मयोगी श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए अविराम कार्य करने वाले मां भारत के सच्चे भक्त को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वयं को प्रधान सेवक मानकर राष्ट्र उत्थान के लिए दिन रात कार्य करने वाले विनम्र प्रधानमंत्री जी को देश के एक नए आत्मविश्वास गौरव और गर्व से भर दिया। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए देश में आत्मनिर्भर भारत के महान मंत्र को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 तीन तलाक के अभिशाप से देश को मुक्त कर श्री राम मंदिर के निर्माण व देश में स्वच्छता की अलग जगाने का अभूतपूर्व कार्य किया। आइए हम सबकी स्वच्छता के प्रयास गरीबों की सेवा नियमों के पालन के माध्यम से उन्हें जन्मदिन का उपहार दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू की गई सेवा सप्ताह 20 सितंबर तक चलेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 14 सितंबर को इसकी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर आयोजित सेवा सप्ताह में मंडल से लेकर बूथ स्तर तक हर कोई इकाई के कार्यकर्ता जरूरतमंदों की सेवा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश विदेश से शुभकामनाएं आ रही हैं। वहीं देश भर में प्रधानमंत्री का 70वां जन्मदिन बीजेपी कार्यकर्ता धूमधाम से मना रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने देर रात प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन बूंदी बांटकर उन्हें बधाई दी। ओडिशा में भी कलाकार ने पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। आपको दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ओडिशा की है जहां पर एक कलाकार ने कलाकृति के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी और दूसरी तस्वीर दिल्ली से है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बूंदी बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया, प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। खासा उत्साह लोगों में देखने को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर। देश विदेश से प्रधानमंत्री मोदी को बधाइयां दी जा रही हैं और हर कोई उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहा। प्रदेश में आज पोषण अभियान अंतर्गत पोषण महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पोषण माह के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोषण महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा हितग्राहियों एवं स्थानीय निकायों से संवाद भी किया। बहन के साथ साथ सभी बहनों को ये कह रहा हूँ जो मेरी आवाज सुन रही है कि बच्चों का टीकाकरण समय पर जरूर करवाएं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और सहायिकाएं और विभाग लगातार इस बात का प्रयास करता है, उसमें हमको देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पर अगर हमने टीकाकरण करवा दिया तो कई तरह की बीमारियों से और दिक्कतों से हमारा बेटा या हमारी बेटी बच पाएंगी। इसलिए टीकाकरण जरूर करवाएं, ये मेरा आग्रह है। और पूजा बहन की तरह बाकी माएँ भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। तो अगर हम ठान लें और ढंग से मेहनत करें तो इंसान ही सब कुछ करता है। हम कलेक्टर बिल्कुल बन सकते हैं, मन में हमेशा ये भाव रखना चाहिए कि मुझे इस स्थान पर पहुंचना है, उसके लिए कोशिश करते हैं तो उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। और क्या हाल है घर में, कौन कौन है? मम्मी, पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, सभी। सब है, पूरा भरा पूरा परिवार है। और मामा नहीं है? मामा का तो नाम ही नहीं लिया तुमने।
तो मामा भाभी और मामा यहाँ भी है, पता है ना? तो अच्छे से पढ़ना बेटी, हमेशा खुश रहो। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, जो योजना मैंने शुरू की थी उसकी बेटियां बड़ी बड़ी हो गई, उनसे बात करने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। मेरा तो जीवन सफल महसूस होता है मुझे। खूब आशीर्वाद, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। एमपी के दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बीती रात आकाशीय बिजली गिरने से दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग 7 लोगों पर गाज गिरी। बता दें कि 7 की मौत हो गई, किसी का पिता तो किसी का बेटा छोड़ गया, तो किसी का भाई हमेशा के लिए जुदा हो गया। आसमान से तेज आवाज के साथ गरजते हुए बादलों से आकाशीय बिजली अलग अलग स्थानों पर 7 लोगों पर गाज बनकर गिरी, जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक 16 वर्षीय युवक पूरी तरह से झुलस गया। दमोह के हटा थाना के रने से हमारे विशेष संवाददाता ब्रजेश तिवारी ने 7 मौतों के गम में डूबे गांव का जायजा लिया। कल क्या हो गया? कल हमारे पापा हार में थे तो पानी बिजली ज़्यादा गिरने से पेड़ तर बैठे थे, तो एक लड़का भी साथ में था, तो बादल और बिजली गिरने से पापा की डेथ हो गई। ये कल कितने बजे की बात है? कल कितने बजे चार साढ़े चार बजे लगी थी इसकी। अभी इसके बाद प्रशासन से आपके पास कोई मिलने आए हैं अभी तक? तहसीलदार? हाँ, हम से आया था पटवारी जी, आए थे सचिव साहब, सरपंच साहब, और उनके कितने बच्चे थे घर के बारे में बताएंगे? तीन बालक है, एक बहन थी, तो 2 भाई अभी और है। ये था श्री रामगोपाल पटेल जी घर, जो कि अब नहीं रहे और वो घर के मुखिया थे, और घर के मुखिया के बाद अब उनके घर पर ऐसा कोई कमाने वाला नहीं है। और ये समझ में आ रहा है कि कुंवरपुर गांव में जो मौत हुई है, जो हादसा हुआ है, पूरे गांव में शोक का मातम छाया हुआ है, या यूँ कह लें ये सिर्फ कुंवरपुर में नहीं, दमोह जिले के 7 जगह जो मौतें हुई हैं, पूरे घरों में मौत का मातम छाया हुआ है, पूरा दमोह जो है पूरे जो है शोक में छाया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि प्रशासन से अब उन्हें जल्दी से जल्दी क्या सहायता मिलती है। कैमरामैन राजेश के साथ ब्रजेश, के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। दमोह जिले का जो रणे थाने के अंदर एक गांव आता है, कुंवरपुर गांव, वहां पे कल शाम को बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मैम, उसके बारे में जानना चाहता कि क्या हुआ है, कौन सा बड़ा हादसा हुआ है, प्लीज बताइए जी। रामगोपाल करके एक व्यक्ति है, रामगोपाल पटेल, जिसकी मौके पर एक्चुअली मौत हो चुकी है। कल शाम के टाइम पर गाज गिरने से अचानक वो बेहोश हो गया था, तो जैसे ही परिजन को सूचित किया गया तो मौके पर पहुंचे, उसको CSC हटा लेकर गए थे, जहां सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौके पर मौत हो गई है। मैम, उसका यहाँ पर जो मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो आ गई जी? PM उसका करा दिया गया था, रिपोर्ट आ चुकी है। मैं कैमरामैन राम मनोहर के साथ के न्यूज़ इंडिया रने। शाम को 4:45 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने दमोह जिले के 4 अलग अलग स्थानों पर जो 7 लोगों की बिजली गिरने से मौत हुई है, उसके लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए शोक व्यक्त किया है। कैमरामैन राजेश के साथ ब्रजेश तिवारी, के न्यूज़ इंडिया रने, दमोह, मध्य प्रदेश। विदिशा के नटेरन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को भारतीय जनता पार्टी नटेरन द्वारा सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें नटेरन नगर में भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नटेरन विश्राम गृह थाना परिसर एवं शासकीय कन्या हाई स्कूल नटेरन में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर नटेरन नगर के भाजपा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सचिन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। ये सेवा सप्ताह का कार्यक्रम निरंतर 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा।
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश नेतृत्व के अनुसार निर्देश पर जो कार्यक्रम दिया है, सेवा सप्ताह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी मंडल नटेरन द्वारा सेवा सप्ताह के कार्यक्रम के आज तीसरे दिवस वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम 14 सितंबर से 20 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्न उत्सव कार्यक्रम विदिशा जिले के 659 स्थलों पर एक साथ आयोजन किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू ने बताया कि जिला स्तरीय कार्यक्रम के अतिरिक्त शहरी क्षेत्र के वार्डों में 72 स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जबकि प्रत्येक ग्राम पंचायत अर्थात 577 पंचायतों में भी कार्यक्रमों का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वन नेशन वन कार्ड आदि की जानकारी हितग्राहियों को दी गई। जिले में एक ही दिन में 65,421 हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जोड़ने का कार्य किया गया। इधर लटेरी में कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्थाएं देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों को पानी भी नसीब नहीं हुआ। वही मीडिया को भी कार्यक्रम से दूर रखने की प्रशासन के द्वारा कोशिश की गई। मीडिया को दूर रखने के सवाल पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार बघेल ने प्रशासन की कड़ी निंदा की। पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर भी तंज कसा है। क्या कुछ कहा है ये आपको दिखाते हैं। इमरती देवी जी, उनको अपनी स्थिति उनकी क्या है वहाँ पर ये अंदाज लगा लीजिए, और बाकी मंत्रियों को भी जो गए उनको लगा लेना चाहिए। आने वाले समय तो कांग्रेस सब पूरे जीतेगी, सरकार बनेगी। कल कमलनाथ जी ने कह दिया कि स्पीकर हम बनाएंगे, अभी कोई स्पीकर का चुनाव की आवश्यकता नहीं, स्पीकर हम बनाएंगे। नुकसान तो है, अभी मैंने उनको श्रद्धांजलि दी है, पर कर्मठ नेता थे। इस तरह के विधायक चुने हुए प्रतिनिधि बहुत कम मिलते हैं जो अपने क्षेत्र की जनता के लिए मर मिटते थे। एक बार फिर श्रद्धांजलि देता हूँ। लगातार बढ़ रही है और आज 280 अभी तक का हाईएस्ट है भोपाल में, और 380 इंदौर में। एक विधायक जी हमारे दांगी जी वो दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से। कल जब विधानसभा में बैठक हुई थी तो कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था, और एक प्रेजेंटेशन हुआ था वहाँ पे कोरोना के मामले में। जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें मुख्यमंत्री जी ने माना कि भयावह स्थिति और लॉकडाउन की वजह से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए विधानसभा एक दिन की कर दी है, और कोरम पूरा हो उतने ही विधायक वहाँ पर आएंगे। और मैं समझता हूँ इस तरह से अन्य बांटने का और भीड़ लगाने का कोई भी कार्यक्रम ये इस समय नहीं होना चाहिए। और जो विधानसभा के चुनाव भी जो हो रहे हैं उपचुनाव, उसमें भी बहुत एहतियात की आवश्यकता है। छिंदवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत मोखेड़ में खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम कटने से गरीब और कमजोर लोगों के लिए आफत खड़ी हो गई है। नाम कटने से लोग हैरान हैं, आखिर पात्र होने के बाद भी उनका नाम कैसे कट गया। नाम कटने के स्तर की जानकारी नहीं मिलने के कारण लोगों को कभी ग्राम पंचायत कार्यालय तो कभी जनपद तहसील कार्यालय के दर दर ठोक रेखाने को परेशान होना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्राम पंचायत के सैकड़ों पात्र उपभोक्ताओं के सामने राशन का संकट खड़ा हो गया। खाद्य सुरक्षा सूची के ऐसे परिवारों के नाम काट दिए गए हैं जिन्हें एक दो माह पहले सरकार से खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत नियमित तौर पर राशन मिल रहा था, लेकिन इस बार जैसे ही वो राशन लेने के लिए पहुंचे तो डीलर द्वारा उनके कार्डों को ब्लॉक बताकर बिना राशन के वापस कर दिया गया। अचानक राशन बंद होने से हैरान परेशान लोग ग्राम पंचायत में पहुंचे। राशन से वंचित लोगों में आक्रोश है कि सरकार दिन ब दिन गरीबों की रोटी रोटी छीनने पर आबादा है। मेरी ग्राम पंचायत में 516 लोगों के नाम जुड़े हुए थे जिन्हें
शासन के द्वारा अनाज दिया जाता था, किंतु राधे श्याम नाम के सचिव जो इसके पूर्व में यहाँ पदस्थ था, जो हजार हजार 500 रुपए की मांग करता था, जब मांग की पूर्ति नहीं हुई उस व्यक्ति ने कई लोगों के नाम कर दिया। ऐसे 16 लोग हैं और इसी में 216 लोग हैं और इसी में राधे श्याम ने कई जीवित व्यक्तियों के भी नाम काटे हैं। मेरी ये समस्या है कि मेरे को राशन नहीं मिलता है, 12 साल हो गए आपको लॉकडाउन में, सबको फ्री मिला है पर मेरे को राशन नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला ये सबको सचिव के कारण नहीं मिला। सचिव के पास 10 बार गई मैं तो सचिव ने नहीं बोला मेरे को। अच्छा, अभी बीच में राशन मिलता था? नहीं, 12 साल से आपको राशन मिला ही नहीं? मिला ही नहीं है ना हमको, हम मोल लेके दाने खा रहे। विदिशा के सिरोज में शासकीय अस्पताल राजीव गांधी चिकित्सालय लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। हाल ही में एक प्रेग्नेंट महिला ने प्रभारी डॉक्टर की पत्नी महिला डॉक्टर विनीता अग्रवाल पर आरोप लगाए थे। साथ ही प्रभारी डॉक्टर पर डॉक्टर ने आरोप लगाते हुए प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर ने प्रभारी डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए एसडीएम को आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने प्रभारी डॉक्टर विवेक अग्रवाल पर कार्रवाई की मांग की है। गेट बंद है, फार्मेसी बंद है, सब चीज़ बंद है, तो बोलते लिखित में क्यों नहीं दिया। और मेरा काम तो ये नहीं है ना, चिकित्सक का काम नहीं है ना कि गेट खुलवाए ये खुलवाए। विदिशा के नटेरन भारतीय किसान संघ नटेरन द्वारा किसानों की 51 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के दौरान किसान संघ के तहसील अध्यक्ष ने बताया कि सोयाबीन एवं उड़द की फसलें पूर्णतः तबाह हो गई हैं। सरकार जल्द ही बेकार हुई फसलों का सर्वे करवाकर उचित मुआवजा किसानों को उपलब्ध कराए, जैसे कि किसान अगली फसल की तैयारी समय पर कर सकें। 2019 की बीमा राशि किसानों के कर्ज खाते में न डालकर बचत खाते में बीमा की राशि डाली जाए। इस दौरान भारी संख्या में किसान संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि क्षेत्र में किसानों को दिए जाने वाले अनुदान सब्सिडी को बंद कर किसानों को सीधे प्रति हेक्टर के मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते सस्ती बिजली खाद और पानी। परेशान करने पर जवाबदेही निश्चित की जाए। मुद्रा लोन की तरह किसानों को तत्काल कृषि लोन देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जीजीएस एजुकेशन ग्रुप लॉन्चेस 20% डिस्काउंट ऑन एकेडमिक फी ऑफ कोर्सेज एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीएफएसआई एंड जीएम, डीफार्मा, बीफार्मा। ऑफर्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बेस्ट एकेडमिक सर्विस एंड बेस्ट प्लेसमेंट सर्विस। Register today to avail 20% discount. Call 9971-496-497 or visit the campus, Kanpur Lucknow Highway, near Unnao. GGS Education Group. Khudi ko aazmaya hai, to ye andaaz aaya hai. Khudi ko aazmaya. तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा, डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबांट हुआ। आपदा को घोटाले का अवसर बनाया।
ये आखिर चल क्या रहा, क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर रहे हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। तो जो किया उसको सजा दो हुजूर, ये हुए को जब सजा दे लोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए दो जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं के न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर 100% असर। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें, कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें, हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात, सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान, जो हैं कोरोना योद्धा, जो हैं जिम्मेदार, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ी जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0031 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तला, क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब 0512-239-0031 और 0512-239-0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूले, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपको छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। करेंगे खबरों का लेकिन